बस इससे ज़्यादा अच्छे नहीं हो सकते. ओके सो गाइज, दैट वॉज द लुक फॉर टुडे. माई इयर रिंग जस्ट फेल ऑफ. हाई गाइज, आई एम यश्रा, वेलकम बैक टू माई चैनल. टुडे आई एम डूइंग दिस सॉफ्ट गोल्ड एंड पिंक मेकअप लुक विच इज़ वेरी फ्रेश. बहुत ज़्यादा आसान है, आई प्रोमिस के आसान है. और फनी थिंग, कोई भी आई शेडो पैलेट नहीं इस्तेमाल हुआ है इसके अंदर, ब्लश ऑन पैलेट इस्तेमाल हुआ है. एंड या, क्योंकि मुझे ना वो परफेक्ट शेड ऑफ पिंक नहीं मिल रहा था. बट इफ़ यू वॉन्ट टू नो हाउ टू गेट दिस लुक राइट हियर, प्लीज़ कीप वॉचिंग. ओके सो टू स्टार्ट ऑफ विद, बिकॉज आई एम गोइंग टू यूज़ अ वेरी वेरी मैटिफाइंग प्राइमर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे मॉइस्चराइज. मॉइस्चराइज करने के लिए मैं ये स्मूथ गो मॉइस्चराइजर बाय ड्रीम ऑर्गेनिक्स पाकिस्तान, ये थोड़ा सा ले रही हूँ. और इसके साथ ही मैं कुछ ये ड्रॉप्स आज डाल के देख रही हूँ. दीज आर ग्लैम बाय महावेश के ड्रॉप्स हैं. एंड मैंने सोचा था कि थोड़ा सा मॉइस्चराइजर में मिक्स करके लेट्स सी के किस तरीके का इफेक्ट बनता है. ओ माय गॉड, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी, या ये जो मैटिफाइंग हमारा फाउंडेशन है उस पर बड़ा ड्यूई लुक आएगा इससे, लाइक लुक एट दिस. और आप भी इस तरह कर सकते हैं कि किसी लिक्विड हाइलाइटर को किसी मॉइस्चराइजर के साथ मिक्स करके लगाएं, इससे बड़ा ड्यूई फिनिश आता है, बड़ी स्किन जो है ना आपकी अलाइट लगती है. आई एम ट्राइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, लेकिन आई ऑलरेडी नो इट्स गोइंग टू वर्क. अच्छी तरह से फेस एंड नेक पे लगा लें. सो द मॉइस्चराइजर इज ऑन एंड लुक हाउ ग्लोई माई स्किन लुक्स. इसके बाद मैंने, दिस इज़ माई फेवरेट फाउंडेशन दीज डेज, लॉरियल इनफैलिबल मैट कवर फाउंडेशन है, जो कि कलर 110 वनीला रोज़ में है. ये मैंने लगाना है. एंड आई विश इट वॉज अ पम्प दो, आई लव दैट इट्स अ ट्यूब, बट पम्प में ना थोड़ी आसानी हो जाती है लगाने में. जस्ट गोइंग टू डॉट इट ऑल ओवर द फेस. अब मैं एक फाउंडेशन ब्रश की मदद से इसको ब्लेंड करूँगी. आप चाहें तो एक ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं, बट आई प्रेफर यूजिंग अ फाउंडेशन ब्रश एंड देन अ ब्यूटी ब्लेंडर. अच्छे तरीके से ये फाउंडेशन मैंने अपनी स्किन पे ब्लेंड करा है, बट रफली भी किया है, बहुत ज़्यादा नीट नहीं किया. और अब मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से सारी स्ट्रीक्स हटाऊंगी. बट आप अगर मेरी स्किन को करीब से देखें, इतनी फुल कवरेज नहीं लग रही है, क्योंकि मैंने अच्छे खासे मॉइस्चराइजर से शेयर आउट किया था. और वो जो मैंने हल्का सा उस हाइलाइटर को लगाया था, उसका ग्लो बड़ा एविडेंट है. इट्स गोइंग टू बाउंस द ब्यूटी ब्लेंडर, ब्लेंड एवरीथिंग आउट. ओके, नेक्स्ट आई एम यूजिंग ये लॉरियल इनफैलिबल का मोर देन अ कंसीलर, विच इज़ अ फुल कवरेज कंसीलर. और मेरे पास है ये लाटे 331 में. ये थोड़ा सा डार्क है, बट आई एक्चुअली लव इट, बिकॉज मुझे लगता है कि लाइक यू कैन सी कि कितना येलो टोन है. ये फाउंडेशन थोड़ा लाइट है, तो मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा ये बैलेंस आउट कर देता है सब कुछ. एंड आई एम डेफिनेटली गेटिंग मोर शेड्स ऑफ दिस कंसीलर, क्योंकि मुझे इस कदर पसंद आया है, यू गाइज हैव नो आइडिया. Is going to bounce it on my face. इस वक्त बहुत येलो लग रहा है, बट ट्रस्ट मी, ये जो येलो लेयर है ना, आई विल एक्चुअली स्टार्ट लाइकिंग इट. जब मैं ब्रॉन्ज वगैरह करती हूँ तो मुझे लगता है कि ये बैलेंस आउट हो जाता है. और ये कंसीलर इतना फुल कवरेज है कि अगर आप सिर्फ इसको लगा लेंगे, देन टू यू डोंट नीड फाउंडेशन. बट टुडे आई एम डूइंग अ लिटिल बिट ऑफ अ ग्लैम लुक, सो ब्लेंडिंग इट आउट. पता नहीं कैमरे पर कितना येलो ट्रांसलेट हो रहा है, लेकिन इट्स एक्चुअली प्रिटी येलो. अच्छे से ब्लेंड आउट करेंगे. कहीं कहीं अगर मेरे जैसे यहाँ पे मार्क्स नज़र आ रहा है, आई एम जस्ट गोइंग टू लेट इट बी, आई डोंट माइंड. थोड़ी सी नेचुरल फिनिश आनी चाहिए फेस पे. ओके, नेक्स्ट मैं ये डिगैनिश का यूवी वाइटनिंग टू वे एचडी केक जो है वो यूज़ कर रही हूँ. ये मैंने लोकल मेकअप शॉप से लिया था, और आपने मेरी वीडियो भी आई एम श्योर देखी होगी. एंड आई एम जस्ट डॉटिंग इट ओवर.
ओके सो माई फेस हैज़ बिन पाउडर्ड और आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मैटिफाई हो गया, लेकिन फिर भी अगर मैं ऐसे शिफ्ट करी हूँ हल्का सा ल्यूमिनस फील है एंड दैट्स एग्जैक्टली वॉट आई वॉन्ट. अब मैं काशीज़ का ये परफेक्ट आईब्रो मेकर जो है वो ले रही हूँ ब्राउन में और मैं बस अपनी ब्राउज जो है वो फिल कर रही हूँ द वे आई लाइक देम, जिससे बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो पिस ऑफ भी होते हैं, बट क्या करें अब नहीं आती मुझे आपकी तरह ब्राउज फिल करनी. मेरी ब्राउज का शेप इतना डिफरेंट है कि नो मैटर व्हाट आई डू मुझसे अच्छी ब्राउज नहीं बनाई जाती हैं, और मेरा बस अब दिल भी नहीं करता कि मैं किसी से ब्राउज बनवाऊं पार्लर लेडी टाइप. तो मैं बस ब्रश आउट कर रही हूँ ताकि एक्सेस प्रोडक्ट निकल आए. अच्छा जी, अब मैं लिप्स करना चाह रही थी तो मेरे पास ये स्वीट फेस का क्रेयॉन है 07 में, उससे मैं लाइन करूँगी अपने लिप्स. कभी कभार थोड़ी सी मोनोटनी मेकअप की ब्रेक करने के लिए अपने मेकअप का ऑर्डर चेंज कर लें. और इसको लगाने के बाद जस्ट गोइंग टू ब्लेंड एवरीथिंग इन विद फिजिशियंस फॉर्मूला का मेरे पास ये लिप कलर है इन आई थिंक इट्स डोज ऑफ रोज. यस डोज ऑफ रोज. ओके सो द लिप कलर इज़ ऑन, लेकिन आई डोंट नो हाउ आई फील अबाउट इट क्योंकि आई मेकअप नहीं है, लेकिन मैंने सोचा था कि मुझे इसी तरह का लिप कलर चाहिए. अब आई मेकअप के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ कि सबसे पहले मैं लूँगी ये है जेनीज कॉस्मेटिक्स का आई शेडो पैलेट. एंड व्हाट आई एम डूइंग इज़ बेसिकली कि मैं जो है वो डिफरेंट डिफरेंट ब्लश ऑन से, सॉरी आई शेडो पैलेट नहीं था, ब्लश ऑन पैलेट था, मैं डिफरेंट ब्लश ऑन से अपनी मर्जी का जो पिंक लुक है वो क्रिएट करना चाहती हूँ. सॉरी, पहले मैं ले रही हूँ जोईवास का कॉरल स्पेक्ट्रम ब्लश पैलेट और मैं सबसे लाइट इसका शेड ले रही हूँ, ये दोनों जो हैं, एंड जस्ट अपनी क्रीज पे लगाना है और इस पार्ट पे लगाना है. हमें यहाँ पे एक एज चाहिए हल्की सी, तो अगर आप चाहें आप इस तरह भी कर सकते हैं या फिर एक यहाँ पे कार्ड रख लें या टेप लगा लें. मैं इतनी ज़्यादा प्रिसाइज एज नहीं बनाऊँगी तो इसलिए आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू व्हाट आई कैन. सो बोथ साइड्स ऑफ दी आई मैंने ये जो है ब्लश से लगा लिया है और मेरा जो मोशन था ना वो आप देख लें, यूं लगाया है और यूं यूं लेके गई हूँ, एक शेप सा क्रिएट हो गया है. अब इस पार्ट ऑफ दी आई में मुझे हल्का सा डार्कर कलर लगाना है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि ब्लेंड अच्छा हो तो मैं उसी ब्रश से लगाऊंगी और मैं ये वाला कलर ले रही हूँ जो कि मेरी जेनी के ट्रेजर्स पैलेट में है. जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग इट और हल्का सा अगर आप चाहें तो आप इस पिंक से भी मिक्स कर सकते हैं, ये पिंक बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है. और इधर लगाना है आउटर वी में. ओके आई थिंक मुझे इससे थोड़ा सा डार्कर कलर का ब्राउन चाहिए, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ मैं ये कॉन्टोर पैलेट ले रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का और इससे कोशिश करती हूँ थोड़ी डेफिनेशन देने की. आई हैव नेवर ट्राइड दिस लुकआउट, बस मेरे दिमाग में आया एंड आई वॉन्टेड टू सिट एंड मेक इट फॉर यू गाइज, तो देखते हैं कि कैसा जाता है. दैट्स काइंड ऑफ बेटर.
अब देखिए मेरी आंख हल्की सी और खुली लग रही है, और उसी ब्रश से हल्का सा यहाँ नीचे भी डेफिनेशन देंगे। अच्छा, टू रिकैप एवरीथिंग, मैंने अभी क्या किया था कि मैंने ये वाला शेड लिया है अपने कॉन्ट्रोल पैलेट में से, जो कि सबसे डार्क और ग्रे शेड है। मैंने इसको यूँ सर्कुलर मोशंस में यहाँ पे ब्लेंड किया है और अपनी आंखों के नीचे भी साथ साथ ब्लेंड किया है, हल्की सी डेफिनेशन देने के लिए। सॉरी अगर आपको बेल की आवाज़ आई है, द बेल जस्ट रैंग। अब मैं ये फ्लफी ब्रश ले रही हूँ जिससे मैंने कुछ नहीं लगाया हुआ है, एंड जस्ट मेकिंग श्योर कि सब कुछ ब्लेंडेड है। हल्का सा उस ब्रश से भी चीज़ें मैं यहाँ पे ब्लेंड आउट कर दूंगी। नेक्स्ट मेरे पास जेनीज कॉस्मेटिक्स की ये हेलो ग्लिटर है इन द शेड 10। ये मैंने पहले भी यूज़ किया एंड आई एक्चुअली लाइक्ड इट, और मुझे लगता है कि ये इस लुक के लिए बहुत परफेक्ट है। ये हमने लगानी है इनर थर्ड ऑफ द आई में, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट्स इट। और मैं टैपिंग मोशंस में ज़्यादा लगा रही हूँ रैदर देन स्क्रेपिंग मोशंस। तो ये देखें, टैप स्क्रेप, टैप स्क्रेप, और कोशिश करें कि एक ओम्ब्रे इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाए, जहाँ पे ग्लिटर यहाँ पे ज़्यादा हो और इस तरफ कम हो। ग्लिटर को ब्लेंड करने के लिए इस तरह मैं ब्रश लेफ्ट राइट करूंगी, ट्राइंग टू ब्लेंड एंड हैव नो हार्श एजेस। ये देखिए कितना सॉफ्ट लुक आ रहा है। दोनों तरफ ग्लिटर लग गई है। यही चीज़ मैंने दूसरी आई पे ट्रांसलेट किया है। ये अभी काफ़ी सॉफ्ट लुक लग रहा है, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है कि मैं थोड़ी सी और ग्लिटर ऐड करूँ, बिल्कुल हल्की सी। तो मेरे पास ये लैपकॉस की ग्लिटर है एंड ये है नंबर 6 में। ये थोड़ी सी सिल्वरिश है और ब्रॉन्जिश है, लेकिन इसमें बहुत सारे अंडरटोन्स हैं। तो मैं बस इसको उसी फ्लैट ब्रश पर ले रही हूँ, थोड़ी सी एक्सेस हाथ पर निकाल कर, इनर कॉर्नर पे ज़्यादा लगानी है, आउटर कॉर्नर पे बिल्कुल कम लगानी है, और बस हल्का हल्का टैप करना है, ज़्यादा डिप भी नहीं करनी, हल्के से स्पार्कल्स ऐड करने हैं बस। मैंने ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बस आंखें और खुली लग रही हैं और फ्रेश लग रही हैं। और मैंने कोई ग्लिटर ग्लू या एडिसिव नहीं लगाया है, क्योंकि उसके बगैर भी हमारा अच्छा खासा काम चल जाएगा। ये दोनों बहुत अच्छी ग्लिटर्स हैं, ये स्टिक करती हैं फेस पे, और देखें फॉल आउट भी इतना नहीं है। अच्छा, ये हो गया। अब थोड़ा सा बारी है इस पिंक को ब्लेंड करने की, और उसको ब्लेंड करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि मैंने ये ब्रश लिया और एक बार सब कुछ ब्लेंड कर दिया। ओके, अब मैं चाहती हूँ कि लुक बहुत ज़्यादा अच्छा हो और फ्रेश हो, तो इसकी फ्रेशनेस को इन्हांस करने के लिए मैं एक न्यूड पेंसिल ले रही हूँ और अपनी आई को उससे वाटर लाइन में लगा रही हूँ। इससे मेरी आंखें और खुली लगेंगी। और अगर आपको थोड़ी सी अपने कॉर्नर्स पे ब्लेंडिंग थोड़ी आउट लग रही है, तो अपने ब्यूटी स्पंज से उसको थोड़ा डिफाइन कर दें। अब बारी है मस्कारा की। मैं इस लुक के लिए लाइनर नहीं लगा रही। अगर आप लाइनर लगाना चाहते हैं और ज़्यादा ड्रेस्ड अप होना चाहते हैं, तो आप लाइनर लगा सकते हैं, बट आई वॉन्ट टू कीप इट वेरी सॉफ्ट। काशीज़ का ये बिग ब्रश मस्कारा है।
अच्छी सी मैंने थिक कोट ऑफ मस्कारा लगाई है. यू कैन स्टॉप हियर बिकॉज इट लुक्स एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल. लेकिन मेरे पास ये, यू नो मी, आई हैव टू अप्लाई लैशेज. मेरे पास ये 3D डेंस फॉल्स लैशेज हैं मोमोसो की, और ये मुझे बहुत क्यूट लगी थी, इफ यू गाइस कैन सी. तो मैं सोचू कि इनको अप्लाई करूँ एंड नो लाइनर एट ऑल, और फिर उसके बाद चीक्स पे काम करते. ओके, सो द लैशेज आर ऑन, और आज आई रियली स्ट्रगल्ड विद द ग्लू. तो ये देखें, यहाँ पे हल्की सी ग्लू लग गई है, बट कोई बात नहीं, दूर से देखेंगे. एंड आई लव द ड्रामा दैट दीज लैशेज आर ब्रिंगिंग इन, क्योंकि ये बहुत ड्रामेटिक थी. वो देखने से मुझे इतनी ड्रामेटिक नहीं लग रही थी. अगर आप इनको स्किप आउट करना चाहते हैं, यू कैन स्किप दैम आउट, कोई मसला ही नहीं है. लाइक यू नो, लैशेज के बगैर भी आप ये लुक कर सकते हैं, एंड इट एक्चुअली लुक्स रियली रियली नाइस. मैंने आपको सिर्फ मस्कारा के साथ दिखाया था. ब्रॉन्जिंग की तरफ चलते हैं. सो फॉर ब्रॉन्जर, मैं अपना पहले क्रिस्टीन का ब्रॉन्जर यूज़ कर रही हूँ टू डिफाइन माई फेस, और मेरा थोड़ा वेट गेन हो गया है, सो आई रियली नीड टू डू दिस. बस रफली करना है. क्योंकि मुझे मेकअप लुक प्रीडोमिनेंटली बहुत फ्रेश रखना है, तो मैं ब्रॉन्जर पे हाथ थोड़ा हल्का रखूंगी. दूसरी चीज़ जो मैं करूंगी, मैं इस किट में से अपनी मेकअप रेवोल्यूशन की, आई एम गोइंग टू टेक ब्रॉन्जर, और मेरा ब्रॉन्जिंग ब्रश किधर गया है? आई स्वेयर मुझे अभी मेरे सामने पड़ा हुआ था, ये रहा. और रफली मैंने ये अपने फेस को ब्रॉन्ज किया है. सॉरी अबाउट दैट. संडे को पूरी दुनिया को डिफेंस आना होता है, सो गाड़ियाँ बहुत होती हैं. आप देख सकते हैं कि बहुत फिनेस नहीं है मेरे लुक में, बट ब्यूटी ब्लेंडर से हम थोड़ी फिनेस ऐड कर सकते हैं. आई जस्ट लाइक माई मेकअप लुकिंग लाइक अ लिटिल रफ, लाइक सम ह्यूमन डिड इट. बहुत परफेक्ट नहीं होता, आपस की बात है, परफेक्शन मुझसे शायद होती भी नहीं है. और दूसरा, बहुत परफेक्ट लुक्स जो होते हैं ना, वो मुझे बस लगता है कि अवार्ड फंक्शंस और इन चीज़ों के लिए अच्छे होते हैं, नॉट लाइक एवरीडे लाइफ. मे बी शादियों के लिए, शादियों के लिए मैं बहुत टाइम लगाती हूँ मेकअप पे. आई एम टेकिंग दिस पिंक ब्लश, पुटिंग सम ब्लश वेरी रफली अगेन, इंतहाई पिगमेंटेड ब्लश है, तो आई लुक लाइक अ क्लाउन. बट इसको अब हम ब्लेंड करेंगे. ओके, आई थिंक आई एम हैप्पी विद दिस काइंड ऑफ अ ब्लश. अब मैं ये वही ग्लैम बाय माविश का जो है वो इल्यूमिनेटर, आई थिंक इट वाज अ टेस्टर जो मेरी दोस्त को मिला था, और मेरी दोस्त ने मुझे दिया था, सो वो ले रही हूँ. थैंक यू वैसे समरा फॉर दिस, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस. और हल्का सा यहाँ लगा रही हूँ. बहुत अच्छी शीन दे देता है ये फेस को. इसको भी आप ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर सकते हैं इवेंचुअली. I wish there was a way that I could put this back in, क्योंकि हल्का सा ज़्यादा निकल गया है, बट आँखों के साइड्स पे इफ़ यू वॉन्ट यू कैन पुट सम इन द इनर कॉर्नर. और ये बस मैं हाथों की मदद से ब्लेंड करूँगी. अगर ये आपके पास नहीं है तो आप ख़रीद सकते हैं, वरना जो आइकॉनिक का मैंने आपको बताया था, मैंने लोकल मार्केट से ख़रीदा था, दैट कैन वर्क वेल. वरना फिर आप एनी हाइलाइटर दैट यू लाइक, जो लिक्विड नहीं हो, पाउडर हो. क्रिस्टीन का बहुत अच्छा है. सो ब्यूटी ब्लेंडर लेके बस ब्लेंडिंग एवरीथिंग आउट.
just going to wear some earrings and show you the final result. मुझे उसका stopper नहीं मिल रहा, so I'm just putting my top back in gold top. Okay. Retake in 3, 2, 1. हम pretend करेंगे कि मेरे इस वाले कान पे भी earring है. So guys, that's the look for today. I hope you guys loved this or liked this soft pink gold look. मुझे personally ये बहुत अच्छा लगा है और मुझे इसको देख के ऐसे लगता है कि ये एक मेहंदी या शादी के लिए भी बहुत अच्छा look हो सकता है अगर आप as a wedding guest जा रहे हो, not as the bride. But it's a very nice soft look. Let me know अगर आप इसको recreate करेंगे और आप मुझे ये भी बताएं कि आपको किस किस्म के लुक्स देखने हैं, बिकॉज़ आजकल मुझे आइडियाज़ बिल्कुल नहीं आ रहे. सो प्लीज़ हेल्प अ सिस्टर आउट. एंड या थैंक यू गाइस फॉर बेयरिंग विद मी, इवन दो मैं काफ़ी टाइम से पोस्ट नहीं करी थी. आई वॉजंट फीलिंग माई बेस्ट, बट अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर मच बेटर नाउ. एंड या आई सी यू गाइस ऑन द नेक्स्ट वन. अल्लाह हाफिज़.